अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ मटन फ्राई चॉप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है मटन चॉप्स की, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने मटन चॉप्स ले ली हैं 1 kg। इनको अच्छे तरीके से वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लेंगे हम। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, सूखा धनिया, नमक, दही, तिक्का मसाला है आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सब चीज़ें लगा कर इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद इसको प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल टेंडर हो चुकी हैं, मीट बिल्कुल गल गया है। अब जो इसकी ग्रेवी है इसको अलहदा कर लेंगे और मटन चॉप्स को अलहदा कर लेंगे। ग्रेवी में 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून वाइट फ्लावर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। ऑयल ले लिया है फ्राइंग के लिए। अब मटन चॉप्स को इस बैटर में डिप करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको टर्न कर लेंगे। मटन चॉप्स बिल्कुल रेडी हैं।